प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि कनाडा और अमेरिका के लोगों ने हमारे ई विधान मॉडल की सराहना की है। हमारा ई विधान मॉडल बेहतरीन काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि ई कॉन्स्टिट्यूएंसी मैनेजमेंट जनहित में लागू हो, इसके लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं। प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि कनाडा और अमेरिका के लोगों ने हमारे ई विधान मॉडल की सराहना की है। हमारा ई विधान मॉडल बेहतरीन काम कर रहा है। डॉक्टर बिंदल ने कहा कि वर्ष 2014 और 15 में पूर्व अध्यक्ष बीवीएल बुटेल ने ई विधान को आगे बढ़ाया। ई विधान के मामले में हम देश में हिमाचल का स्थान बनाने में कामयाब हुए हैं। लोकसभा हो, राज्यसभा हो, असम हो या उड़ीसा और दक्षिण भारत के राज्यों ने हिमाचल के ई विधान मॉडल को स्वीकारा है। कई विधानसभाओं द्वारा हमारे मॉडल पर काम किया जा रहा है। पिछले दिनों इंटरनेशनल फोरम पर युगांडा में डिजिटल वर्किंग पर बहुत बड़ा पैनल डिस्कशन हुआ, जिसमें 118 देशों के स्पीकर यहां पर पहुंचे थे, जिसमें भारत पक्ष रखने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ने मुझे भेजा था। मैंने जो भारत का पक्ष रखा, हिमाचल के ई विधान मॉडल का, और इसका वीडियो भी प्रदर्शित किया। कनाडा और अमेरिका के लोगों ने हमारे ई विधान मॉडल की सराहना की है। ई विधान मॉडल बेहतरीन काम भी कर रहा है। ई कमेटी को हम लागू कर चुके हैं। जो भी कमेटियों की बैठक हो रही है वो बिना फाइलों के ही हो रही है। उन्होंने कहा कि कमेटी का बिजनेस वर्ष 2013 से 2019 तक डिजिटली अपलोड कर दिया है। विधायक अधिकारी और सरकार के लिए उसको फॉलो करना आसान हो गया है। जिला स्तर पर कार्यरत एनआईसी के अधिकारियों को ई कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ जोड़ा है। इंटरनेशनल फोरम पर युगांडा में और विधानसभाओं पार्लियामेंट के डिजिटलाइजेशन के ऊपर एक बड़ी पैनल डिस्कशन हुई, जिसमें भारत का पक्ष रखने के लिए माननीय लोकसभा स्पीकर ने मुझे और प्रेषित किया। और मुझे ये बताते हुए गर्व होता है कि हमने भारत का जो पक्ष रखा, हिमाचल के ई विधान मॉडल को वहां पर पूरी तरह से प्रदर्शित किया और उसका वीडियो भी प्रदर्शित किया। उसका परिणाम यह रहा कि कनाडा के लोगों ने, अमेरिका के लोगों ने, इंग्लिश लोगों ने हमारे ई विधान मॉडल की प्रशंसा की। यानी अभी जिस प्रकार से ई विधान मॉडल हमारा काम कर रहा है वो बेहतरीन है। इसको आगे बढ़ाते हुए ई कॉन्स्टिट्यूएंसी मैनेजमेंट कंप्लीटली जनहित में कार्यरत हो, उस दिशा के अंदर हमको प्रयास करना है। ई कमेटी को हम पूरी तरह लागू कर चुके हैं। जितनी कमेटियों की बैठकें होती हैं वो पूरी तरह से अब फाइल के बिना, पेपर के बिना हो रही हैं। और उसका ये प्रभाव है कि हमारे माननीय विधायकों ने उसको पूरी तरह एडॉप्ट किया है। और भी अच्छी बात यह है कि जो कमेटी का बिजनेस 2013 से लेकर के 2019 तक का, वो पूरी तरह से हमने डिजिटली अपलोड कर दिया है। अगर कोई प्रश्न, कोई विषय कमेटी के सामने आता है तो 2014, 15, 16, 17 में लोक निर्माण विभाग ने, आईपीएच ने इसका क्या उत्तर दिया था, वो हमारे सामने टेबल पर तुरंत आ जाता है। अर्थात विधायक के लिए भी और अधिकारी के लिए भी, सरकार के लिए भी, उसको फॉलो करना बहुत आसान हो गया है। अर्थात हम जो मोदी जी का डिजिटल मिशन है उसको आगे बढ़ाने में अपनी इस अहम भूमिका को निभाने में कामयाब दिखाई देते हैं।